अपने माँ बाप की बात जरूर माने, कभी भी ऐसे चक्कर में ना फंसे। ये देख लो 95 किलो का था, आज 45 रह गया। कोई और 6 महीने रोका तो मुझे लग रहा मैं 25 का रह जाऊंगा, और 6 महीने बाद नमस्ते। मैं भाई अपने घर जाना चाहता हूँ अपनी माँ के पास, मुझे नहीं जाना, सीधी सी बात है। इससे मेरा झगड़ा छुड़वा दो, जो भी सब देख रहे हो, सब देख रहे हो, देख रहे हो, पल रहा है। औरतों को पता नहीं, 2 दिन औरतें काम करती, वह होता कि हम आदमी को पाल रहे हैं। आदमी सारी उम्र काम करके बच्चों को पालता है, वाइफ को पालता है, आदमी कभी नहीं सुनाता। ये भाई मेरी वाइफ, जिंदगी ऐसी खराब कर रखी है इसने मेरी, कुत्ता समझती है मुझे, कुत्ता बना के रखा हुआ भाई मेरे को। तो हो तो समझेंगे क्यों, तो फिर मैं कुत्ता, तो फिर मेरी कुतिया हुई ना इसी हिसाब से। तमीज में बात कर, तू तमीज में बात कर रही है भाई। ऐसी औरत है ये, रात रात गैप रहती है, कभी क्लबों में, कभी कहीं। घर का काम सारा मैं करता हूँ, ठीक है, सारा घर का काम मैं करूँ, और ये बाहर ऐश करे। तो कमा रही हूँ तो ऐश कर रही हूँ, जब मर्जी हाथापाई पे उतर आएगी, मारना पीटना शुरू कर देगी। मैं छोड़ के, छोड़ दे मेरा खेड़ा, मैं अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के पास चला जाता हूँ, तो कहती कंप्लेंट करूंगी, तुझे फंसा दूंगी। मैं तेरे बाप को फंसाऊंगी, तेरी माँ को फंसाऊंगी, तेरी बहनों को फंसाऊंगी, तेरे भाई को फंसाऊंगी, पूरा टब्बर को फंसाऊंगी। ये इसका वर्ल्ड है। क्या हो गया, ऐसा ऐसा हुआ क्या है भाई? मेरे को पसंद नहीं भाई ये जो अपना आवारागर्दी कर ली ना, रात रात कभी होटल में जाना, यारों दोस्तों के साथ कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, अपने को पसंद नहीं है। एक मिनट, अपनी कमाई मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, अपनी कमाई से मैं क्लब जा रही, तेरे बूते की तो हैरी की तो क्लब जाएगा। मैडम पति है वो तुम्हारा, इतनी तो आपको माननी पड़ेगी ना उनकी। क्यों मानू, कौन से मुझे कमा के दे रहा है, मेरा खर्चा चला रहा है कि मैं इसकी मानू? तो घर कहाँ से चलता है फिर, तेरे खर्चे से घर चल रहा है मेरा, अच्छा खासा बिजनेस। क्या ये बिजनेस चल रहा है, रात रात गैप रहना? ओ हेलो, ऑफिस का काम क्या तुम आके करते हो? ऑफिस का काम तो बाद की बात है ना, जो रात को कौन सा ऐसा ऑफिस है रात को ये काम होता है? क्लब तो मैं जाती हूँ, काम होना कर रही हूँ, क्लब नहीं जाती मैं, जाती हूँ। औरतों वाले लक्षण है तो क्लब जाना भी कोई ठीक थोड़ी बात है मैडम। रातों को गायब रहना और फिर पति रातों को गायब नहीं, मैं लास्ट 12 बजे आ जाती हूँ, बकवास कर रहा है जो। तो 12 बजे के सुबह के 12 बजे होते हैं। और ये कुत्ते वाले क्या कर रहा है, इसकी जिंदगी कैसे आपने कुत्ता बना के रखा हुआ भाई? घर का सारा काम मैं करूँ, अच्छा बालक मैं संभाल लूँ, स्कूल में लेके जाऊँ, सारा झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सब मैं करूँ, और ये अपनी ऐश करे बाहर अपने फ्रेंडों के साथ और अपने यारों दोस्तों के सामने, तो ऐसे दिखाती जैसे पता नहीं घर का इसने मुझे नौकर रखा हुआ है। तो मैडम आपको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए ना आपके हस्बैंड की। इज्जत है, किस चीज की इज्जत करूं, क्या कमाता है, किस इज्जत करूं मैं इसकी, किस तो चीज़ मतलब की घर का काम भी तो देख ही रहा है, वो भी तो एक काम ही होता है ना। घर का काम कर रहा है वो भी तो एक काम होता है। ये कौन सा काम है, घर का काम? घर का काम हम औरतें करती हैं, बहुत सी औरतें घर का काम करके ऑफिस नहीं संभालती हैं। तो पर आदमी ऐसे तो नहीं करता ना कि रात रात उसकी, उसकी ऐसी कई जिंदगी झंड करती जो उसका घर भी नहीं जानता भाई। 95 किलो वेट था मेरा, अच्छा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अपनी, 95 किलो वेट था मेरा, आज 45। खाएगा नहीं तो मैं क्या, मैंने खाने के लिए रोक रखा है तुझे? खाएगा, खाने के लायक छोड़ेगी तभी तो खाऊंगा। 24 घंटे इसकी बातें सुनो, इसकी गालियाँ खाओ, इससे मारपीट देखो, क्या काम करूँ मैं और क्या खाऊँ मैं? ऐसा क्या कर दिया मैडम ऐसे, बिल्कुल आप तुम बिल्कुल ने छोड़ कर रख दिया। अरे मैडम ये इसको पता नहीं इसको कौन सा काम, मैं भाई अपने घर जाना चाहता हूँ अपनी माँ के पास, मुझे नहीं जाना, सीधी सी बात है। इससे मेरा झगड़ा छुड़वा दो, जो भी सब देख रहे हो, सब देख रहे हो, देख रहे हो, पल रहा है। औरतों को पता नहीं, 2 दिन औरतें काम करती, वह होता कि हम आदमी को पाल रहे हैं। आदमी सारी उम्र काम करके बच्चों को पालता है, वाइफ को पालता है, आदमी कभी नहीं सुनाता। और ये 2 दिन क्या इसने काम कर लिया, 7-8 हज़ार रुपया लिया ही है, रात रात भर गैप रहना। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन मुझे बोलते हैं तेरे को यही मिली थी कि अपनी मर्जी से तूने अरेंज मैरिज करी है, देख ले क्या हाल हो रहा है तेरा। मना किया था मेरे घर वालों ने कि इसके चक्कर में मत पड़ी हो। तो क्यों पड़ा, मान लेता अपने घर वालों की बात। अरेंज है लव मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज करी थी। क्यों पड़ा था, मान लेता अपने घर वालों की बात। मैंने कही थी कि आप, मेरा दिमाग खराब हो गया था ना। तो मतलब अब आप अलग रहना चाहते हो ना? मैं अलग भाई साहब इससे दूर रहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बिनती है। ये बात बात पर धमकी देती है, ये देखो बंद करवाऊंगी, ये करूंगी, तेरे माँ बाप को फंसाऊंगी, बहन को फंसाऊंगी, भाई को फंसाऊंगी। मतलब कैसे फंसा दोगे आप इन्हें, क्या पता कैसे फंसाएगी? छोड़ के जाएगा मुझे, कोई कौन सा डिवोर्स हुआ है जो मुझे छोड़ के जा सकता है? मैडम इसकी जिंदगी क्यों झंड कर रखी है आपने? इसने खुद कर रखी है अपनी जिंदगी झंड। खुद भाई साहब 12-12 बजे तक गैप रहेगी, मैं 10 मिनट दूध या सब्जी लेने चला जाऊँ, 5 मिनट गैप हो गया, वहीं पे आके माँ बहन कर देगी 50 बंदों के सामने। ये तो बहुत ज्यादा, 50 बंदों के सामने माँ बहन कर देगी वहीं पे। फिर वहाँ बोलेगी तेरी औकात क्या है मेरे साथ, तू बात कर रहा है यहाँ पे, मेरी तेरी औकात क्या है, घर चल, ये कर, फलाना कर, ढिंगाना कर, तेरे को मैंने घर के काम काज के लिए रखा हुआ है। बोलने की तमीज नहीं, माँ मेरी आ जाए ना इसे रोटी बनेगी, ना ये पानी पिलाएगी, ना माँ बाप से तमीज से बात करेगी। मैं क्यों करूं, मैं कोई काम वाली हूँ तुम्हारे माँ बाप को चाय पानी बना के दूं? मैं क्यों करूं, मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं कि इससे ये पानी भी नहीं पिला सकती, चाय नहीं बना सकती, रोटी नहीं खिला सकती। सुन फिर, मैं नहीं कर सकती, उसके घर वाले हैं, मैं सारा कुछ करता हूँ, मैं खुशी मनाता हूँ तो माँ बाप आए। अच्छा तो मैं खरीद बेचा नहीं मैंने अपने आप को, सीधी सी बात है। मेरे को रहना नहीं भाई, अपनी तरफ से हाथ खड़े हो गए, मुझे रहना नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास रहूंगा, कमाऊंगा, अपने माँ बाप को दूंगा। वो तो रहना तेरे को बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं, तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। नमस्ते मेरी, अब
निकल फिर। ऐसा मैडम क्या हो गया ऐसा, ये तमीज है बात करने की, निकल फिर। आप भी थोड़ा मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करो ना। किस चीज की? मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज? तो आप मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। और इसे मतलब फ्री भी नहीं, मतलब इसे तलाक भी नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कुत्ता बना कर मेरे पे केस करूंगी, पूरा खर्चा भी लूंगा। अभी कह रही है कमाता नहीं है, तो फिर खर्चा कहाँ से लेगी मेरे पे केस करके? मेरे पास इस चीज की कमी नहीं है, मैं तेरे से खर्चा लूंगी। इतना महान मत समझ अपने आप को। तो फिर डिवोर्स दे मुझे, नमस्ते कर अपने आप को। अपना तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मैं अपने माँ बाप को संभालता हूँ। नहीं दूंगी। तो फिर चक्कर क्या है? चक्कर क्या है, जैसे चल रहा चलने दे। चलो कोई बात नहीं भाई, हमने ना ये कैमरा लगा रखा था और अब सारी वीडियो बन गई है इनकी। ओ भाई वीडियो बनते हैं पहले। वीडियो कोई बात नहीं, ठीक है। आप वीडियो मेरे से ले लेना और आप जहाँ भी जाओ इनके खिलाफ कंप्लेंट करके अलग हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बंद नहीं होगी, डिवोर्स ही होगा और ये वीडियो थाने में जाएगी। मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ले लियो डिवोर्स। ठीक है भाई, मैं आपको आपको वीडियो दे दूंगा और इनसे जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है जी, ऐसी औरतों से बच कर रहे और कभी भी अपने माँ बाप की बात जरूर माने, कभी भी ऐसे चक्कर में ना फंसे। ये देख लो 95 किलो का था, आज 45 रह गया। कोई बात और 6 महीने रुका तो मुझे लग रहा है मैं 25 का रह जाऊंगा, और 6 महीने बाद नमस्ते। कोई बात नहीं, जरूर नहीं, 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 इनके साथ रहना ही मत आप। मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगा।